नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है व्हाट यू वांट। तो दोस्तों, एक तरफ जहां पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, उस बीच आपका जो बैंक है वो बदल चुका है, क्या आपको पता है? क्योंकि 1 अप्रैल 2020 से आपका अगर इन बैंक्स में से जो भी आपको इस पिक्चर के ऊपर बैंक दिखाई दे रहा है, बैंक का लोगो दिखाई दे रहा है, अगर आपका भी बैंक का अकाउंट इनमें से किसी भी बैंक में था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब ये जो बैंक हैं ये चेंज हो चुके हैं। मतलब कि अगर आपका इलाहाबाद बैंक में अकाउंट था, तो अब इलाहाबाद बैंक का नाम आपके पासबुक पे और आपके चेकबुक पे नहीं मिलेगा देखने को। आंध्रा बैंक में था, इन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में था, मतलब इनमें से 6 बैंक हैं। अगर 6 में से किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है, तो आपका जो बैंक है वो अब चेंज हो चुका है। तो चलिए, मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमारे भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं वो 12 बैंक हैं टोटल, जिनकी गिनती 12 बैंक हैं। और पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जिनका 50% से अधिक का हिस्सा सरकार का होता है, और इसके ऊपर पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है वो RBI का होता है। ऐसे बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है। तो हमारे देश में टोटल 12 बैंक हैं, जिनमें 6 बैंक हैं जो इंडिपेंडेंट बैंक हैं, जिनमें इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये जो इंडिपेंडेंट बैंक होते हैं, मतलब कि ये बैंक किसी भी बैंक के साथ मर्ज नहीं है और ये अकेले काम करते हैं। और अगर वहीं बात की जाए मर्ज्ड बैंक की, कि जो जिन बैंकों के साथ और कई सारे बैंक जुड़े हुए हैं, मर्ज हो चुके हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, ये 6 बैंक ऐसे हैं जिनके साथ दूसरे छोटे छोटे बैंकों को मर्ज कर दिया गया है। तो कौन कौन से बैंक इस समय मर्ज हुए हैं 1 अप्रैल 2020 को, तो चलिए उसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका अकाउंट ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में था, तो ये भी बैंक मर्ज हो चुका है। अगर आपका बैंक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में था, तो ये भी बैंक अब बदल चुका है। अगर आपका अकाउंट सिंडिकेट बैंक में था, तो भी आपका जो बैंक का नाम है वो बदल चुका है। अगर आपका अकाउंट आंध्रा बैंक में है, अगर आपका अकाउंट कॉरपोरेशन बैंक में है, और अगर आपका अकाउंट इलाहाबाद बैंक में है, तो आपका जो अकाउंट है वो बदल चुका है। मतलब आपका अकाउंट नंबर सेम रहेगा, लेकिन आपके जो बैंक का नाम है वो बिल्कुल बदल चुका है। चलिए बात करते हैं कि ये जो बैंक हैं कौन से बैंक में मर्ज हुए हैं। तो अगर आपका अकाउंट ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में है, तो अब आपका जो अकाउंट हो जाएगा वो पंजाब नेशनल बैंक में हो जाएगा। अगर आपका खाता यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में था, तो वो भी पंजाब नेशनल बैंक बन चुका है। अगर आपका अकाउंट सिंडिकेट बैंक में था, तो अब वो बदल कर कैनरा बैंक हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट आंध्रा बैंक में था, तो अब उसका नाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। और अगर आपका अकाउंट कॉरपोरेशन बैंक में था, तो वो भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो चुका है। और अगर आपका अकाउंट इलाहाबाद बैंक में था, तो अब इलाहाबाद बैंक बदल कर इंडियन बैंक हो चुका है। तो ये 6 बैंक हैं जो कि इन बैंकों में मर्ज हुए हैं। तो अगर आपका भी अकाउंट इनमें से किसी भी बैंक में था, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी है, ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ये भी बता देता हूँ कि मर्ज होने के बाद अकाउंट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, 6 महीने का टाइम मिलता है, 6 महीने के बाद आपकी जो ATM कार्ड है वो चेंज हो जाएंगे, और आपका जो चेकबुक है और पासबुक है वो भी बदल दी जाएगी। लेकिन तत्काल प्रभाव पे आपके ट्रांजेक्शन्स पर, आपके ATM कार्ड्स पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल।